नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीता नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराड्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी माधव निदान पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग पांडु रोग जो है उसका हमने सारा असाध्य लक्षण पढ़ लिया है। तो अभी हम लोग कामला रोग के लक्षण पढ़ेंगे कि जॉन्डिस होता है कामला, तो उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। मैं अभी शुरू करने से पहले सबको म्यूट करता हूँ क्योंकि घर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अब मैं अनम्यूट करूंगा, जो लोग बोलना चाहेंगे वही लोग बस अनम्यूट करिएगा। तो हम लोग कामला रोग पढ़ेंगे। माधव निदान का जो कामला के लक्षण है वो एक एक पॉइंट जो है वो एक एक शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पेशेंट आपके पास आएंगे और आते हैं, तो आप लोगों को ना समझना बहुत जरूरी है। इसमें 16 नंबर का श्लोक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 16, 17, 18, तो क्या लिखा है वो देखिए। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि पांडुरोगी तु योत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम श्रृंगमांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते हरिद्र नेत्रा स भृशम हरित्वं नख नान्नः रक्त पित्त शक्रिन मूत्रो भेक वर्णो हतेन्द्रियः दहा विपाक दौर्बल्य सदना रुचि कर्षितः कामलभो पित्तेशा कोष्ठ शाखा श्रयामता। इतना बढ़िया बता रहे हैं और एक एक शब्द आप लोग देखिए इसमें कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें ये बता रहे हैं कि पित्त मतलब पांडुरोगी जो है
उसको पांडु रोग किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, तो वो पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से ही हुआ है कि बहुत ज्यादा पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ गया था और उसकी वजह से स्वेदन हुआ इंटरनली, और उसकी वजह से शरीर में रस और रक्त का क्षय हो गया, रस्व और रक्तव स्त्रोतस में जाके, और फिर बहुत इंटरनल स्वेटिंग होता है, स्वेदन होता है और पांडु रोग हो जाता है, रस और रक्त का क्षय हो जाता है। अब यही पांडु रोगी जो है ये और अति मात्रा में पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, मतलब उसको ना बहुत ज्यादा ऐसे जीवा लौल्यवशात, मतलब उसको ना ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना है, तो वह और ज्यादा पित्तकारक तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थों का अत्यंत सेवन करता है, तब इन प्रकोपक कारणों से पित्त और ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। पांडु रोगी तो यथार्थम पित्तलानि निषेवते, ऐसा बोल रहे कि अति मात्रा में पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, तो उससे क्या होता है, तत्त्व पित्तम अस्त्रिंग मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते, जो प्रकोपित हुआ पित्त है ना वो रक्त और मांस को अपनी उष्णता से भून कर, मतलब दग्ध्वा भून कर और एक तरह से कामला रोग कर देता है, उसमें क्या होता है कि पित्त और ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसी दशा में हरिद्र नेत्र सभृशम हरिद्र त्वंग नखनाना, मतलब मनुष्य के नेत्र त्वचा नख और मुखमंडल हल्दी से भी ज्यादा पीले रंग के बन जाते हैं, हल्दी हल्दी के रंग जैसा, भृशम हरिद्र त्वंग नखनाना, मतलब हल्दी से भी ज्यादा ये पीलापन आ जाता है। फिर मल और मूत्र जो है वो और लाल या पीले रंग के हो जाते हैं, रक्त पित्त शक्रिन मूत्रो, मतलब रक्त रंग के होंगे, रेड कलर के होंगे या पीले रंग के होंगे, शक्रिन मतलब पुरुष और मूत्र, भेक वर्णो हतेंद्रिया, मतलब उसमें मेंढक के समान, बरसाती मेंढक के समान इसमें पूरा ये आ जाएगा, मतलब भेक वर्ण मेंढक के कलर की तरह रंग आ जाएगा, हतेंद्रिया इंद्रिया अपने अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, दाह अविपाक दौर्बल्य, मतलब पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, अविपाक मतलब अग्निमंद हो जाता है, दुर्बलता आ जाती है, सदन मतलब थकावट बहुत ज्यादा आती है, अरुचि होता है, और कर्षिता मतलब शरीर जो रहता है वो बहुत ज्यादा सूख जाता है, और कामला भो पित्तेशा कोष्ठ शाखा श्यामता, कामला रोग हो जाता है, मतलब जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, और यह दो तरह का हो जाता है, एक में पित्त की बहुत ज्यादा प्रबलता होती है तो कोष्ठ आश्रित होता है, दूसरा जो है वो शाखाश्रित होता है जिसको हम रुद्पथ कामला भी बोलते हैं, तो इस तरह से। और यहाँ शाखा मतलब क्या होता है, तो रस रक्त आदि का ग्रहण किया जाता है। अब इसी को टीकाकार ऐसे बताते हैं कि पांडु रोग अवस्थायाम कामला महा पांडु रोग इत्यादि, अब यहाँ पे पांडु रोग की अवस्था ही आगे जाके कामला रोग हो जाती है, इसलिए इसके लक्षण यहाँ पर ही बताए हैं, इसी अध्याय में बताए हैं। फिर बोल रहे हैं दग्ध्वा संदुष्य, दग्ध्वा का मतलब है कि दुष्टि करके पांडु रोगी जो रहता है वो बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, तो पित्त और ज्यादा प्रकोपित होता है, उष्ण और तीक्ष्ण गुण की वजह से शरीर में वह त्वचा को दूषित करता है, मांस को दूषित करता है, मतलब रक्त को दूषित करता है। फिर बताए रोगाय कामला रूपाय, ये रोग जो रहता है ये कामला रोग के रूप में रहता है, और ये कामला विविधान कामन लाती, मतलब बहुत सारे इच्छाएं उत्पन्न करता है कि चटपटा चीजें खाना है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य खाना है, इसमें इच्छा भी होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर भेक वर्ण का मतलब क्या बता रहे हैं कि भेक वर्ण प्राय विष्णे भेक वर्ण, मतलब बरसाती मेंढक की तरह पीले रंग का और पूरा पेलनेस, मतलब एक तरह से बोलेंगे कि पांडु रोग और ज्यादा पांडुता आ जाती है उसमें। फिर बोल रहे हैं कि कोष्ठ शाखाश्रय थी एका कोष्ठाश्रय अपरा शाखाश्रय, मतलब इस बोल रहे हैं कि दो तरह के कामला रोग होते हैं, एक कोष्ठगत कामला होता है एक शाखागत कामला होता है। रक्तादेव धातवः, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि शाखा को हम ऐसा बोलेंगे कि रक्त आदि धातु जो रहते हैं वो शाखा रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र अपीर कमला भवति तथा राजयक्ष्म स्वतंत्र उपक्षितेषु काशेषु पवित्त्याहु, मतलब ये एक तो पांडु रोग से उत्पन्न होता है या फिर बिना पांडु रोग के बिना भी कामला रोग हो जाता है, जैसे कि राजयक्ष्मा स्वतंत्र व्याधि के रूप में हो जाता है, और दूसरा कास रोग की अपेक्षा करने पर भी राजयक्ष्मा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि पांडु रोग से उत्पन्न कामला या फिर बिना पांडु रोग से उत्पन्न कामला, दो तरह के कामला होते हैं। और आगे कास निदान में बताएंगे क्षयोपेक्षिता सर्व इत्यादि, मतलब कास आदि की अपेक्षा उपेक्षा किया तो राजयक्ष्मा हो जाता है, ये आगे के अध्यायों में बताएंगे ऐसे इन्होंने कहा। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और बताइए अपना एक्सपीरियंस, मैं सभी लोगों को बुलाऊंगा, आप सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं,
सबसे पहले कंचन जी को बुलाते हैं। कंचन जी, आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपने कैसा अनुभव किया है, आप बताइए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आपने पांडु रोग से कामला या स्वतंत्र रूप से कामला ऐसे पेशेंट देखे हैं? सर, पांडु रोग से कामला तो अभी आपने जब पढ़ाया ना, तो अभी मैं डायग्नोस करना स्टार्ट करूंगी, पर ये जैसे स्वतंत्र रूप से कामला तो काफी दिखे हैं मैंने। अभी मुझे वो पता नहीं, मैं शायद डायग्नोस नहीं कर पाऊंगी पा रही हूँ उस समय, पर अभी जरूर करूंगी सर। ये रुद्रपद कामला वाले भी बहुत आते हैं सर, और नॉर्मल कामला वाले जो होते हैं, कोष्ठगत है, शाखागत है, तो ये दोनों भी दिखते हैं सर। अभी मेरे पास ना 6 महीने पहले एक पेशेंट आया था जिसके सीबीडी में स्टोन अटका हुआ था, और उसे पूरे सिम्टम्स रुद्रपद कामला जैसे थे। पहले तो मैंने रिपोर्ट नहीं देखे थे, जैसे पेशेंट आया तो पूरा पूरा आंखें उसके पीली पीली थी, पूरी स्किन रुक्षता से भरी हुई थी, और भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और बोल रहा था कुछ भी खा रहा हूँ तो वोमिट हो रहा है, पूरा नॉशियाटिक फीलिंग लग रहा था सर उसको। जैसे रिपोर्ट देखने के बाद वो पता चला कि ये उसका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस टाइप है, तो सर वो आया था, पर वो ऑब्स्ट्रक्शन सर उसको ना पहले स्टोन भी था, और फिर बाद में थोड़ी पैथोलॉजी और डेवलप हो गई थी उसकी, तो वो बोल रहा था कि ये स्टोन तो काफी दिनों से है मेरे पेट में, 1-1.5 महीने से है, मैंने उसको इग्नोर किया, पर अब उसके बाद में उसका फिर सीटी स्कैन निकाला गया सर, तो उसमें थोड़ा सा एक ग्रोथ भी आया था, तो हो सकता है वो कैंसरस हो। अभी उसके बाद वो पेशेंट रिपीट नहीं आया सर मेरे पास। और एक 6-7-8 पहले एक केस आई थी, तो वो बच्चा था, मतलब 21 ईयर्स का, उसको बाहर का खाने की बहुत आदत थी सर, मतलब चाइनीज वगैरह टाइप ऐसे पिज्जा खाना, बहुत मसालेदार खाना, तो उसे ना हर 2 महीने में रिपीट होता था कामला, हर 2 महीने में वो आता था, मेडिसिन लेता था, पर मैंने उसको हर बार समझाया था कि तू बाहर का खाते रहेगा तो ये, और पित्तवर्धक आहार खाते रहेगा तो ये बार बार रिपीट होगा। तो उसको मैंने खुद, मतलब 1 साल में उसको मैंने 3 बार मेडिसिन दी होगी कामला के लिए, वो हर बार ठीक हो जाता था, पर वो फिर से वो कामला लेके आता था। जी सर। जी। आप लोग और बताइए, आकांक्षा जी आपने पेशेंट देखे हैं कामला के? आकांक्षा जी सुन पा रही हैं क्या? सर ज्वाइन करते तो देर में बोलूंगी। ठीक है, फिर और कोई बताइए। मीनल गुप्ता मैम जी आप बताइए, या फिर प्रशांत भट्ट जी आप बताइए, जो लोग बताना चाहते हैं बता सकते हैं। माधुरी मैम आप बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आपने पेशेंट देखे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, सिम्टम्स के हिसाब से बताइए। सर पांडु के तो पेशेंट्स रहते हैं, कामला के पेशेंट्स बहुत ज्यादा नहीं देते। जी, तो कैसे पेशेंट कैसे आते हैं वो सिम्टम्स बताइए, लक्षण बताइए, आपको क्या अनुभव आया? सर सर वो तो रहता ही है सर, जिसमें कि पांडु के पेशेंट्स में जिनमें की रक्त की कमी रहती है, तो उनमें थकान रहना, कमजोरी रहना, चिड़चिड़ापन, और जो सर मुख पे जो स्वेलिंग वगैरह होना, और धीरे धीरे करके सर वो जो पेशेंट अगर लगातार उसी कंडीशन में रहता है तो फिर उसका इफेक्ट फिर लेटर ऑन सर उसके यकृत पे और उस पे भी पड़ता है, प्लीहा पे भी पड़ता है, ये इफेक्ट सर आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम रह रही है, उसको किस कारण से, कारण अगर खत्म नहीं किया तो वो चीज लॉन्ग टर्म चलती है, तो सर उसका यकृत पे और प्लीहा पे भी इफेक्ट आता ही आता है। जी सर नमस्ते। हाँ सर बताइए। सर सर कमला तो ऐसे अक्सर मिलते हैं ओपीडी में, तो नॉर्मली जो कंप्लेन लेके आते हैं वो एनोरेक्सिया रहता है, नौसिया रहता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसा कुछ कंप्लेन लेके आते हैं, वो वीकनेस जो फैटिक रहता है। जी, तो इस फिर बाद में हम उसको एग्जामिन करके और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करके हम जंडिस का डायग्नोसिस करते हैं, ऐसा चल रहा था प्रैक्टिस मतलब। तो अभी उसको फिर डिटेल वो हिस्ट्री लेके देखेंगे सर को। पांडुजन्य कामला को सिकिल से लेने में हमें यहाँ कामला लेके आते हैं वो मिल जाते हैं सर, तो इसमें थोड़ा सोथ वगैरह अदर पांडु का सिम्टम्स भी दिखा जाता है। जी, और वायरल हेपेटाइटिस जो है वो फ्रीक्वेंटली मिल जाते हैं। जी जी बहुत बढ़िया। पहले 20 साल पहले मैं देखा था ये
ड्रॉग इंड्यूस्ड, ये स्पेशली क्लोरोम्फेनिकल इंड्यूस्ड जॉन्डिस, ये फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं। आजकल तो क्लोरोम्फेनिकल यूज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा कम मिलता। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और कमल जी आपने पेशेंट देखे हैं क्या? डॉक्टर कमल शेल के मैम आपके पास आपने पेशेंट देखे हैं कामला के? आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। हाँ देखिए सर, लेकिन पेशेंट का कंप्लेंट डायरेक्ट कामला नहीं था। पेशेंट का हिस्ट्री तो अल्कोहलिक था, उसके बाद उसका थोड़ा सा ब्लड लॉस हो गया और पूरा इक्टेरस आई पे, नेल्स पे, और उसका पेट में जो उधर जैसा उपद्रव मानो स्वरूप में था वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। लेकिन पेशेंट का क्रिएट भी उसमें बड़ा हुआ था, एचजीपीटी एचजीओटी भी उसका बड़ा हुआ था। तो उस टाइम पे सर वो पांडु माने या पांडु के उपद्रव के स्वरूप को कामला ऐसे कुछ डिफरेंशिएट नहीं होता था। लेकिन अभी तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट मैं सर कोविड के बाद भी बहुत से पेशेंट को ऐसे मिथाइल प्रोडनिसोलोन वगैरह दे दिया ना, तो वो ड्रग इंड्यूसर सर जो बोले वैसे ही अभी पेशेंट आते हैं कि उस टाइम से हमें थकान बहुत रहती है और उनका हीमोग्लोबिन हम कर देते एसजी लिवर फंक्शनिंग टेस्ट कर दे तो उसमें चेंजेस आते हैं सर वो ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे। तो लेकिन पेशेंट को क्लिनिकली पूरा एक तरह से ऐसे नहीं दिखता, एनिमिक दिखता है और उसके बाद में चेंजेस आते हैं सर पेशेंट को। तो अभी हम अच्छी तरह से आपसे पढ़ के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, अभी तो किया है लेकिन अच्छी तरह से तो आपसे ही सीखेंगे सर। ओके सर। और आपको पता है एक डॉक्टर सुधीर साहू जी हैं जो BUMS डॉक्टर हैं, वो मतलब उनको खुद भी नॉलेज था, लेकिन वो मुझे कल फोन किए कि मैंने केवल यहाँ आयुष दर्पण से सीख सीख के USA के 3-4 जो प्रेग्नेंट लेडीज थी जिसको किसी को पाइल्स था, तो वो लोग ने डिलीवरी नॉर्मल हो गया उनका, मतलब कॉन्स्टिपेशन था कुछ कुछ था, तो वो बोले कि आयुष दर्पण से मुझे इतना आ रहा है कि मैं आयुर्वेद का प्रैक्टिस इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, जबकि वो हमारे पैथी के नहीं है, वो यूनानी डॉक्टर है, तब भी इतना बढ़िया कर रहे हैं प्रैक्टिस। वो तो सही है सर, आयुष दर्पण ने बहुत अच्छा सिखाया, आपने भी, आपका और जोशी सर का तो मानिए कुछ, अंजना मैम का तो, वो तो सही है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर सविता पेठे जी, जी और बताना है तो बता। हाँ सर पवन जी बताइए सर। सर जहां तक सिम्टम की बात देखे तो सिम्टम तो सभी में मोस्टली सारे लोगों ने डिस्कस कर दिया, यही रहता है बच्चों में भी, यही रहता है, सिर में दर्द रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, नोजिया रहता है, पेट में हैवीनेस रहती है और थकावट इतनी ज्यादा रहती है, कुछ भी खाने को किसी को मन नहीं करता, अगर कोई खाता है तो वॉमिट हो जाता है एक तो फर्स्ट, और कई बार फीवर के साथ भी प्रेजेंट करता है, फीवर भी कई बार साथ साथ होता है, सिम्टम तो मोस्टली यही मिलते हैं। जहां तक पैथोफिजियोलॉजी की बात है तो डायरेक्ट पांडुरोग से तो बहुत, पांडुरोग से भी देखने को मिल जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट रहते हैं उनमें पांडुरोग तो होता ही होता है, उसमें मिक्स पैथोलॉजी हो जाती है, जैसे ड्रग इंड्यूस्ड हो जाता है, जितनी भी ATT रहती है इसमें रिफाम्पिसिन और इथाम्बोटोल वगैरह जो ये रहते हैं ये सीवियर हिपेटोटॉक्सिक रहती है, अगर पेशेंट स्टार्ट करते तो तुरंत एनीमिया तो होता ही होता है और सीवियर ये कामला भी हो जाता है उन लोगों को। दूसरी बात रही जैसे ये जितनी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है गाउटी आर्थराइटिस वगैरह, इनमें स्टीरॉयड तो चलता ही चलता है, इसमें ऑटोइम्यून के लिए जितनी भी ड्रग्स चलती है ना एजोथायोक्लोरिन है मिथोट्रेक्सेट है वो भी इसका एक बहुत बड़ा हेतु रहता है। तीसरी बात मैडम ने, हेलो, तीसरी बात मैडम ने जैसे बोला ये एल्कोहलिक पेशेंट में भी पहले कामला तो मैं सोचता ही नहीं था, बस मैं उसमें यही सोचता था हिपेटोसेलुलर डैमेज रहता है वहां पे, आरबीसी नहीं बनता, आरबीसी रप्चर होता है और वो बिलिरुबिन बाहर निकलता है, वो उसका एक बेसिक हो, तो उसमें तो दोनों ही सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, पैंडू भी मिल जाता है और इसमें लीवर पैथोलॉजी भी रहती है, और उसके बाद किडनी पेशेंट में भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, उनमें तो काम होता ही है ये पांडुरोग के पूरे सिम्टम्स रहते हैं, और कैंसरस पेशेंट में भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स रहते हैं,
बहुत सारे ऐसे काजी जैसे वायरल हेपेटाइटिस इसका बेसिक कारण है। अभी मैंने बताया 4-5 दिन पहले मैं केस डिस्कस कर रहा था, पर उसमें पांडु के फीचर नहीं थे और लड़का था, यंग लड़का, उस शादी में गया, उसने खाया वहां पे कुछ उल्टा सीधा, वहां पे शायद फूड पॉइजनिंग टाइप का हुआ उसका। उसका SGOT SGPT 3200 था और विद इन 3 डेज मैंने पहले वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया, उसने बोला एडमिट करना पड़ेगा, फिर मेरे पास फोन आया, मैंने बोला मेरे पास भेजो, मैं 3 डेज में इसको ठीक कर दूंगा। वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी थी सर, जो जहाँ रूट कुछ कामला होता है वहां थोड़े फीचर चेंज हो जाते हैं। वहां पे क्या रहता है, कामला के ये पैलर तो मिलेगा पेशेंट, जॉन्डिस मिलेगा, पीला बॉडी मिलेगा, पर उसमें जो स्टूल का कलर रहता है ना सर, व्हाइटिश कलर हो जाता है जब CBT के अंदर स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है या ज्यादा, तो उसमें एक फीचर क्लासिकल फीचर और मिलेगा, व्हाइट कलर, क्ले कलर स्टूल मिलेगा, व्हाइट कलर, और बॉडी पे इचिंग मिलेगा जहां पे अवरोध जनरेशन प्राप्ति होती है, ये उसमें रहता है सर। वायरल हेपेटाइटिस में भी तेजी से, जैसे एक दिन डॉक्टर रमन गर्ग बोल रहे थे ये पानी कई बार गंदा आ जाता है नीचे से, तो वायरल हेपेटाइटिस के फीचर या फूड पॉइजनिंग टाइप के होते हैं उनमें, सब लोगों में यही रहता है, पेट में भारीपन, उल्टी, फीवर, और वो बहुत जल्दी से SGOT SGPT रेज करता और बहुत जल्दी साइलेंट हो जाता है, ये भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। बाकी सारे लोग तो सबको पता ही है क्या, पर पांडु वाला जहां तक ख्याल है वो अभी तो मतलब बहुत, मतलब अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं तो उसमें मेरे को तो 2-3 लोग ही ऐसे मिलते हैं। हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी होता है सर, जैसे मलेरिया फीवर हुआ उसमें भी ये रहता है कई बार, जैसे सल के मैम ने बताया मल्टी ऑर्गन फेलियर, उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा है, कोई पेशेंट ICU में पेशेंट और मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, उसमें भी ऐसे फीचर, तो उसमें तो सारे फीचर मिलेंगे, लीवर के भी पैरामीटर डी अरेंज मिलेंगे, किडनी के पैरामीटर भी डी अरेंज मिलेंगे, उसमें रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी भी सारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, पर जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं उसमें तो मेरे को 2-3% ही देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट तो सर सबका यही होता है, जो कम्बिनेशन मैं तो यही कम्बिनेशन देता हूँ, जैसे मैंने जो लड़का था उसको यही दिया, आरोग्य वर्धनी बटी दी, उसको पुनर्भाधि मंडोर दिया, एक टेबलेट आती है लीग्रीन आती है, उसमें आयुर्वेदिक रहता है, और यूडीलीन, 4 ड्रग ही दिया, तो 4 ड्रग में ही उसको, और उसको खाने पीने के लिए इस पे रखा, लंगन डाइट पे रखा, लिक्विड डाइट पे, जैसे इक्सुरस बोला उसको, तकर बोला ज्यादा लेने के लिए, नारियल पानी बोला ज्यादा लेने के लिए। सेकेंड डे में ही उसको सर 10-15 दिन से वो थी दिक्कत उसको, मेरे 15-15 डेज की हिस्ट्री थी, पर मेरे पास वो 3 डेज में ही रिकवर कर गया, 3 डेज में ही उसका 247 SGOT SGPT आ गया 3200 से। जी बहुत बढ़िया बताया आपने सर। जी डॉक्टर अनुरिता मैम आप कुछ बताना चाहती हैं क्या, आपने हैंड रेज किया था। सर अभी तो काफी कुछ बता दिया, लेकिन सर आप जो बता रहे हैं वो टिपिकल सिम्टम्स जो ग्रंथोक्त है वो भी मिलते हैं, और मॉडर्न के पहला ऐसा डिसीज है सर कि जो आयुर्वेद से बहुत ज्यादा जुड़ता है, मतलब जो हमने बोला है उसी बेस पे मॉडर्न के भी जो है पोस्ट हेपेटिक, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और न्यूरल जॉन्डिस इस तरीके से मिलते हैं सिम्टम, जैसे अभी पवन सर ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन बहुत क्लियरली कि पांडुजन्य संप्राप्ति जब भी रहती है उसकी वजह से कामना बहुत इजीली हो जाती है, जो दुर्लक्षित या अनट्रीटेड पांडु है उसके बाद में पेशेंट कामला में बहुत इजीली एंटर होता है, और मतलब रिकवरी में भी काफी दिक्कत होती है। यूजुअली थलसी में पेशेंट्स है या फिर सिरोटिक लीवर है या जिसे बोलते हैं कि जैसे वायरल हेपेटाइटिस, उन्होंने कंडीशन बताई, ऐसी कंडीशन में जो जॉन्डिस डेवलप होता है। सिम्टम्स मॉडर्न के हिसाब से कुछ है, लेकिन ट्रीटमेंट आप जो आयुर्वेद जिस तरीके से बताता है उसी तरीके से दीपन, पाचन, विरेचन, ये सारी चीजों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। सर जो पर्टिकुलरली मुझे एकदम गारंटीली मैं जिसका बोलूंगी, जिनका मिसयूज़ या पेनकिलर ड्रग्स है या फिर पर्टिकुलरली बीटा ब्लॉकर्स जो लॉन्ग टर्म हार्ट डिजीज पे चलते हैं, उनके अंदर कामला बहुत इजीली डेवलप होती है, बहुत इजीली डेवलप होती है। और मतलब रुद्धपद कामला की मैंने एक बहुत सीवियर केस देखी थी, जैसे अभी हॉस्पिटल में देखी थी मैंने, उस इसमें इतना क्लासिकल रिजल्ट मिलता है सर, अब मतलब व्हाइटिश और ये तो है, लेकिन अवस्टम्ब उसके बाद में बॉडी एक
जो डिस्कलरेशन है वो भी येलोइश की बजाय बोलते वाइश इस इसमें रहता है, लेकिन पेशेंट की अवस्था जो भी है वो कफज पांडु और उससे साधर्म्य करती है, क्योंकि बिलिरुबिन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उसका पिगमेंट नहीं मिलता है, और ये वजह से आप जब भी उसको स्टार्ट करते तो उस वक्त में लोह कल्पनाएं रुद्धपथ कामला में तकलीफ देती है, क्योंकि यूजुअली हमें पांडु ट्रीट करते वक्त में हम लोह कल्पनाएं भी यूज करते हैं, लेकिन रुद्धपथ कामला में आपको ट्रीटमेंट मतलब त्रिकटु है, हरितकी है, इन सॉरी त्रिकटु नहीं त्रिफला है, हरितकी है, इन चीजों पे आपको ज्यादा ये करना पड़ता है, क्योंकि अग्नि दीपन बहुत मतलब माइन्यूटली आपको दाढ़ीमष्टक है, हिंगमष्टक इसी से शुरुआत करके फिर जो हमारी कुटकी, भूम्यामलकी और ये सारी चीजें, स्पेशली स्पिलोमेगाली, हिपेटोमेगाली और ऐसी सीवियर कंडीशन में जब पांडु दिखता है उस वक्त में सर पेशेंट की अवस्था मतलब बहुत जल्दी ओज चिंता की तरफ जाता है, और हमें पेशेंट का याप्यत्व इजिली नहीं मिलता है, असाध्यत्व की आपने तरफ ये क्यों जाती बोला है। कि रुद्रपद कामला में त्रिकटु नहीं देते हैं? देते हैं ना, कफ शामक नहीं, चिकित्सा। कफ शामक देते हैं सर, लेकिन त्रिकटु का मैंने एक चीज देखा है सर, अगर आपने एकदम स्टार्टअप में त्रिकटु दे, त्रिकटु तो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस जहाँ पे आप कामला में ये कर सकते हैं, लेकिन वहां पे पित्त की वो अवस्था आपसे कंट्रोल होनी चाहिए विरेचन करके, और उसके बाद में त्रिकटु शुरू करना चाहिए। यूजुअली सर यहाँ पे प्लेन त्रिकटु की बजाय आप अगर दाढ़ीमाष्टक और कोई रुद्रपद घृत के साथ कामला में कफ शामक चिकित्सा ही उस शुरू करना पड़ता है, उसमें हम त्रिभुवन कीर्ति भी दे सकते हैं क्योंकि रुद्रपद कामला है वहां पे, तो त्रिकटु तो देना ही चाहिए। कुटकी और त्रिकटु बाद में मतलब यूजुअली उसका कफ कुछ ना शामक कुछ ऐसा। चिकित्सा करना है, स्त्रोतोरोध हाँ, को दूर करना है, तो श्रोतोरोध। देते ही हैं उसमें, तो हाँ, सर, लेकिन वो बहुत टिपिकल कामला सिम्टम में है, रहता है, बहुबल बहुत कामला में नहीं टिपिकल। देना है, लेकिन रुद्रपद कामला में तो देना ही है। हाँ जी सब कुछ ठीक सर, रहा तो ओके जो कर सर अब की बार देंगे। ना, हेलो सर, मैं पहले ना कभी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये और ये जैसे इतना हाई रेंज ऐसी होती है एसजीपीटी ना, मैं सिंपल कभी उसमें आसनिस्ट नहीं यूज करता था और कभी भी रेशन नहीं देता था पहले, मुझे मैं दूसरे तरीके से करता था, पर अब की बार मैंने इस पेशेंट को ना अपने वाले जैसे आप बताते हो दीपन पाचन करो और विरेचन करो मैंने, और अब की बार आसवरिष्ठ का भरपूर योग की उसमें किया मैंने, उसको दो तीन वो दे दिया, जैसे उसमें मैंने ये पुनर्वरिष्ठ भी दे दिया उसमें, और द्राक्षस भी दे दिया, और एक और कुमारियास भी दे दिया, तीनों का मिक्स करके उसको दे दिया मैंने। तूने मैंने बोला उसको तूने यही गिलास में भर भर के सिप सिप करके पूरे दिन यही पीते रहना, और विरेचन दिया उसको, विरेचन के लिए मैंने गंधर्व हरित की दिया उसको, एकदम से उसको सर अगले दिन ही नोजिया के सारे सिम्टम चले गए, नहीं उसने ना 10 days और से कुछ एसजीओटी खाया भी नहीं एसजीपीटी था, भी कम हुआ होगा ये आसवरिश देने से। 3200 था सर उसका, 3200 3 दिन में 247 आ गया, वही तो, यही तो और आयुर्वेद उसका की। उसे और उसका ना बिलिरुबिन 7 point something था, बिलिरुबिन तो सर धीरे धीरे करके कम आया उसका, पर सिम्टम पहले दिन ही रिलीव हो गया था उसका, पेशेंट को ना एसिम्टोमेटिक हो जाता है ना तो फिर उसको ना ये लग जाता है भी हमारी चिकित्सा बहुत बढ़िया चल रही है, पैरामीटर पे कई बार फिर ना हम ज्यादा ध्यान नहीं देते अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ आना स्टार्ट हो जाए और यही पेशेंट को एलोपैथी में वो वो करते मिल। तो क्या ठीक होते? आपने तो कितना अच्छा कर दिया, एसजीओटी एचजीपीटी। सर मैं तो एलोपैथी में बहुत सारी ड्रग्स यूज करता था, कभी वो तो खैर है कि हमारा ये इसेंशियल आता है कैप्सूल आता है इसेंशियल कैप्सूल, उसमें तो लिपिड्स का ही होता है वो, और इसमें ये रहता है सिलिबियोन रहता है, जो एलोपैथिक ड्रग रहते हैं इनके पास लिमिटेड ड्रग है सर, ज्यादा हेपामर्ज है, सिलिबियोन है लिवर प्रोटेक्टिव में यही रहता है, और ये बी कॉम्प्लेक्स वगैरह के कॉम्बिनेशन, बाकी सर कुछ तो लीवर मेरे का को तो पता ट्रीटमेंट होते नहीं यहाँ पे है मॉडर्न में सर, हिपाटिक कोई भी पैथोलॉजी वो रिवर्सिबल सर। है ही नहीं। गैस्ट्रो वाले डॉक्टर ने ये बोला आपको ना, आप एडमिट नहीं हो रहे हैं ना, आप अपनी जिम्मेवारी बजा सकते हैं, आपका लीवर कभी भी फेल हो सकता है, सरदार था सर उसका, देखो मनोबल तो सरदार लोग का थोड़ा सा होता ही है, क्या तो कोई परवाह नहीं, तुसी दवाई लिखो मैं कल परसों आ जाना, फिर उन्होंने उसने में ना मेरे से कंसल्ट करा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ और मैं 3 दिन में ही ठीक कर दूंगा, और ना भगवान धन्वंतरि की ऐसी कृपा रही, 3 दिन में ही वो ठीक हो गया सर। वही तो, बहुत बढ़िया बताया आपने। सर कमला में जो पंडु मिलता है उसको कैसे डील किया जा रहा तो यही है ना, विरेचन कराने से तो ठीक हो जाएगा ना, कामला रोग भी ठीक होगा, कामली तो विरेचनी,
फिर विरेचन कराएंगे, पित्त निकाल देंगे, फिर घृतपान करा के फिर उसके बाद में लौह कल्प देंगे। पांडु का भी चिकित्सा करने का काम लगा, आगे चिकित्सा हम लोग चरक संहिता में सब दिया है ना चिकित्सा, लेकिन विरेचन श्रेष्ठ चिकित्सा है ऐसे कंडीशंस में। सर तीक्ष्ण विरेचन करना चाहिए? हाँ तीक्ष्ण विरेचन करना चाहिए, कोष्ठ के हिसाब से बल के हिसाब से देखना चाहिए सर। जी सर, जो असिम्प्टोमेटिक पांडु है सर, जो हम सिर्फ मतलब इतना ज्यादा लक्षण नहीं रहता, वो सिर्फ पित्त के अवरोध से होती है, पित्त के उष्ण गुण से होती है क्या? क्योंकि वो बहुत इजीली रिकवर होती है, 15 डेज में मैंने अभी एचजीपीटी एचजीओटी लेवल्स हाई आए इसकी वजह से, और मतलब 2.5 उसका ये था, लेकिन सिम्टम कुछ नहीं थे, नौशेटी वगैरह से प्रकृति उसकी पित्त की थी, मैंने विरेचन के लिए एडमिट कराया था, लेकिन उसका वो हाइपरबिलिरुबिन। तो फिर ये कैसी संप्राप्ति होगी सर? क्या क्या मतलब क्या होता है? मतलब असिम्प्टोमेटिक कामला है और असिम्प्टोमेटिक है तो क्या मतलब पता कैसे चला कि कामला है? रिपोर्ट सर, मैंने विरेचन के लिए उसको एडमिट किया था क्योंकि इनफर्टिलिटी की केस थी, और क्योंकि उसके स्किन के ऊपर जो इरप्शंस वगैरह ठीक है, लेकिन पता कैसे चला? रिपोर्ट्स में दिखा कि हाँ, रिपोर्ट्स में दिखा। तो ट्रीटमेंट उसको विरेचन से, तो विरेचन के लिए तो एडमिट ही किया था उसको, शुक्र शुद्धि के लिए एडमिट किया था, लेकिन उसके बाद में जब वो निकला ना, तो फिर उसके सारे पथ्य वगैरह करा के जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, 15 डेज में आपने किया तो ठीक है ना, अच्छा रिजल्ट। लेकिन इस संप्राप्ति से अलग संप्राप्ति होगी क्या सर? वो रुद्रपद कामला होगा, आपको दिखा नहीं होगा, मतलब तिल पिष्ट बल प्रवृत्ति ऐसा हो रहा होगा, रुद्रपद कामला होगा। बहुपित्त कामला में तो दिखता है सब पीला पीला एक्टर। उसका एक ही सिम्टम था सर, वो बहुत जल्दी थकता था और उसका बीपी बहुत लो था, बिल्कुल 100 के नीचे जाता। रुद्रपद कामला होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बहुत पीलापन नहीं होता है, तो इसीलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो सिम्टम्स होंगे उसको। बट अग्नि मानदे नहीं था सर, अग्नि बहुत अच्छा था उसका, वो भूख लगना और पचना इसमें डिफरेंस रहता है, तो पच नहीं रहा होगा उसका। तिल पिष्ट निर्मल प्रवृत्ति से डायग्नोस करना चाहिए रुद्रपद, हो सकता है मैम क्रीमी जन्य हो, ये भी तो हो सकता है ना, क्रीमी जन्य भी हो सकता है सर। मेरे को एक बात क्लियर करें जी, पवन जी क्या बोल रहे हैं? मेरे को एक बात क्लियर करो, जैसे ना जलोदर की मैं चिकित्सा पढ़ रहा एसआईटीस का, वैसे तो एसआईटीस में डायरिटिक ही देते हैं हम, बहुत ज्यादा मॉडर्न के हिसाब से तो मैं चलता था, पर इसमें आया भी विरेचन, दो स्ट्रॉन्ग विरेचन एसआईटीस में ऋषा वेदी तक भी बोला है, और ऋषा वेदी तो सर नॉर्मल पेशेंट को दे भी दे दे तो उसकी हालत बुरी हो जाती है, जलोदर वाला तो वैसे ही मरने को होता है। हिंदी वो हिंदी बुक्स में लिखा है कि इच्छा विधि दो अपने, इसमें कोष्ठ देखो, देखो बल देखो तब दो, वही तो ना मैंने पढ़ा है कहीं पे किसी कल में पढ़ रहा था अपने। जी हिंदी में तो मैं यही बुक रेफर करता हूँ, हिंदी में तो ट्रांसलेटेड होता है ना, उसमें वो अपने मन से कुछ भी लिख देते वो लोग। ठीक है, एक मोहम्मद, मैंने कहा ऐसा भी, हाँ ठीक है, एक मोहम्मद अशाब जी, आपने कुछ, आपको कुछ बोलना है क्या सर? डॉक्टर मोहम्मद जी, मोहम्मद अशाब जी? नहीं सर, नहीं। आपने रोजा रखा है? जी सर। तो आप कितना अच्छे हैं कि मतलब सुबह आपने वो नमाज भी पढ़ा होगा और पढ़ने भी आ गए इधर। जी सर, आज बहुत दिनों बाद हमने ज्वाइन भी किया सर, टाइम नहीं मिल रहा था और चूंकि रूटीन में थोड़ा डिस्टर्ब था, तो आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया हमने। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर हम बनारस से के रहने वाले हैं, बनारस से ही बोल रहे हैं। बनारस के? अच्छा, आपने बीएमएस किया है? जी सर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अच्छा, तो आप अंजना मैम के स्टूडेंट हैं? जी सर, जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप रोजा भी रख रहे हैं, मतलब अल्लाह को भी याद कर रहे हैं और इधर ट्रीटमेंट का भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। थैंक यू आपका, आप आए, गंगवार सर। हाँ प्रणाम गंगवार सर, मैंने म्यूट किया, आप थोड़ा देखिए पीछे का आवाज आ रहा है। गंगवार सर, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए सर। हाँ सर, मैं रास्ते में चल रहा था जरा, इसलिए आवाज आ रही होगी सर। जी जी, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये इसमें क्या कहते हैं, अब ये जॉइंटिस हो जाती है, मतलब जब कामला हो जाता है तो इसमें जब विरेचन से पहले घृतपान कराना चाहिए नहीं चाहिए सर? उस
उसपे अलग अलग मत है। अगर दीपन पाचन करके कर रहे हैं तो फिर घृत पान करा के तब करिए, और नहीं तो डायरेक्ट भी विरेचन कराए तो क्या प्रॉब्लम है, एरन तेल का हम पिला देते हैं, उससे विरेचन अच्छे से हो जाते हैं। जो रहते हैं ना ये एरन पत्र का स्वरस दे देते हैं, मूली का स्वरस देते हैं, वो सबसे विरेचन भी होते हैं और वो संप्राप्ति भी ठीक हो जाती है, मूली का स्वरस। हाँ, और फिर आरोग्य वर्धनी और तुलसी का स्वरस जब दिया जाता है तो एसजीओटी एसजीपीटी बिलीरुबिन सब नॉर्मल हो जाता है। जी सर। घृतपान कराएं या ना कराएं, विरेचन तो कराना है हमें। जी सर। जी अंजना मैम, थैंक यू सर। थैंक यू अंजना मैम, आप कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। अंजना मैम को बिना सुने तो मन ही नहीं लगेगा। सर अभी बस 5 मिनट बता। ठीक है ठीक है। वंदना पाठक मैडम जी आप कुछ बताएंगी? वंदना मैम है कि चली गई, मैंने तो देखा था। सर प्रणाम जी। प्रणाम, बताइए। सर अभी एक रीसेंट अभी जो आपसे सीखा पांडु का डायग्नोसिस उसके बारे में बताती हूँ मैं। सर मेरे घर का ही केस था, मेरी भाई की बेटी है 18 साल की है वो, तो काफी टाइम से वही लेथर्जिक और पेन ये सब था और पांडु के सारे वो सिम्टम्स दिखते थे, तो मैं विभिन्न कल्पनाएं देती रहती थी कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि घर का ही बच्चा था तो कुछ ना कुछ देखे, पर उसको मतलब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे मुझे। अभी सर जब आपसे मैंने कफज पांडु पढ़ा तो सर वो सारे सिम्टम्स मुझे उसमें लगे कफज पांडु के, तो उसको सर मैंने फिर डायग्नोस करके अग्नि कुमार रस और काशीस भस्म स्पेशली ये दिया मैंने, और सर उसको सुबह उठते ही जैसे बहुत ज्यादा रनिंग नोज जुखाम वगैरह बहुत लगती थी, दिन भर नींद आती रहती थी, जब जब देखो उसको सुला दो, पतली दुबली थी बहुत, एनर्जी लेवल बहुत कम था, तो सर विद इन 1 or 2 days उसको एक तो जुखाम बंद हुई जो वो सुबह उठते ही बहुत छींकती थी और पूरे दिन भर उसको सिक्रेशन होता था, मतलब अपने नाक को ब्लो करके साफ करती रहती थी दिन भर, वो ठीक हो गया सर उसको। अभी इनिशियल अभी शुरू किया है मैंने, अभी 4-5 दिन हुआ है और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा उसको भूख भी थोड़ी बढ़ी है, और सबसे अच्छा तो मुझे ये दिखा कि उसको जो जुखाम में बहुत आराम मिला, बाकी तो जैसे जो जो रिजल्ट्स मिलेंगे फिर मैं शेयर करूंगी। तो ये मैंने पहली बार सर नोटिस किया कि पांडु को भी डिफरेंशिएट करके देखने का। जी मैम, अग्नि कुमार रस का रोल कैसे बनेगा इसमें कफज पांडु? मैम आप अग्नि कुमार रस पढ़ेंगे तो ना आपको ये जो सारे सिम्टम्स जो कफज पांडु में मिलते हैं ना वो अग्नि कुमार रस कवर करेगा, तो वो मैंने उसको देखा फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जैसे उसका वाइटनेस थी चेहरे पे बहुत और जो भी सारे उसके सिम्टम्स थे वो सब अग्नि कुमार रस से फिर कवर हुए। हेलो सर, बस वाली युक्ति आपने ये कैसे लगाया इसमें तो वो रहता ना, कौन सी वाली इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कहते थे कि अगर कोई शीत प्रकृति का है, कफज प्रकृति का है, ठंडी प्रकृति का है तो गर्म, मतलब उन्होंने जो मोटे मोटे तौर बताया कि काशीस भस्म गर्म लौह है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए और मंडूर ठंडा लौह है, ऐसा उन्होंने मतलब शुरू से मुझे बताया हुआ था पर मैं उसका यूज नहीं कर पाई थी कभी, इसलिए यूज किया। सर एक चीज पूछनी थी कि आरोग्य वर्धनी वट्टी भी देनी चाहिए मुझे? हाँ जरूर देना चाहिए, पांडु रोग में तो बेस्ट काम करता है, सार किट विभाजन अच्छा करता है, तो रस व और रक्त व स्त्रोत इसमें आम का पचन करके रस और रक्त की वृद्धि करता है क्योंकि लौह भस्म है ना, तो बहुत अच्छा काम करता है। और सर घृत? घृत तो देना ही चाहिए, पांडु रोग कोई भी पांडु रोगी हो तो वहां पे स्नेहांश की कमी हो जाती है तो हमें को ठीक ही नहीं कर सकते हम। अच्छा सर देना ये कॉन्सेप्ट गलत है, हमें घृत पान कराना ही चाहिए पांडु रोगी को। तो सर दाढ़ी मादी घृत दे दू? हाँ जरूर दीजिए, कटुकादि घृत दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए। ठीक है सर, बाकी इसके जैसे रिजल्ट। सुधा शर्मा जी है दिल्ली की डॉक्टर ना? जी सर। जो आप हॉरोस्कोप देखती है इतना अच्छा। जी सर। हाँ पवन जी आप कुछ बोल रहे थे? पवन जी आप कुछ बोल रहे थे? अंजना मैम आ गई हैं। जी सर।
सर यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कशन चल रहा है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, सभी को सुबह सुबह का शुभ प्रणाम और शुभ। और सर बहुत स्पेसिफिक है ये कामला रोग, क्योंकि सभी पेशेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलता है। मैम पूछ रहे थे ना आरोग्य वर्धनी ले सकते हैं। मैं मैम को ये बताना चाह रहा था, मैंने मेरे पेशेंट को दो टू टेबलेट दिया उसमें, आरोग्य वर्धनी से ही और पुनर्वादी मंडूर से ही स्टार्ट करा था मैंने। तो वो इसमें तो क्योंकि वो सार के टीवी बाजन भी अच्छा करता और दीपन पाचन का हिसाब किताब बता के भी मैंने उसका आरोग्य वर्धनी से और फर्स्ट टाइम मैंने आयुर्वेद के हिसाब से ही किया। सुनिए अभी अंजना मैम क्या बोल रही है, वो अंजना मैम का पहले कंप्लीट होने दीजिए, वो मैम कुछ बता रही है। जी अंजना मैम आप बताइए। हाँ सर, हाँ सर, तो इसमें सर सबसे पहले हम जैसे अभी पढ़ते ही आए कि पांडु रोगी है या पांडु रोगी नहीं भी है, तो जैसे उसने ज्यादातर आहार विहार जो है उसने किया, जो कि मना हम लोग करते हैं कि बहुत अधिक पित्त को कुपित करने वाला आहार विहार, अचार खाना है, मसाला खाना है, फास्ट फूड खाना है, फिर वो रक्त को दूषित करेगा ही, क्योंकि जब पित्त दूषित होता है तो इस तरह से वो पित्त का बीमार गमन होता है और उससे यकृत में क्योंकि रंजक पित्त का कार्य होता है, तो ये हमारी पूरी संप्राप्ति बहुत ही अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो रस धातु और रक्त धातु, जहाँ पे हमारा रस का कन्वर्जन रक्त में हो रहा है, ये हमारी रस धातु ही प्रॉपर तैयार नहीं हो पाई है तो वो रक्त धातु में नहीं कन्वर्ट होगी और उसका फिर जो कहते हैं ना सार भाग और किट भाग, तो किट भाग में जैसे कहते हैं कि प्रॉपरली जो किट को भी हम लोग दो तरह से मानते हैं कि वो एक तो होता है कि जिसको हम नहीं रोक सकते मल, और कुछ मल ऐसे होते हैं जो निष्क्रमण के होते हैं जिसको निकाला ही जाता है, कुछ संरक्षण होते हैं जैसे कभी कभी उनको धारण करना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे यक्ष्मा में भी आया है मलम तस्य ही विद्वलम, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये जो रक्त रूपी मल है ये पूरी बॉडी को जो है वो पूरी बॉडी में फैलता है और धातुओं को दूषित करता है। तो यहाँ पे जैसे अभी बात हो रही थी कि हमें सबसे पहले क्या है, रुद्धपथ है या बहुपित है, हमारे पास पेशेंट नॉर्मली पहले ये लेके आता है कि मैडम हम खाना नहीं खाने का मन कर रहा है, हमको चक्कर बहुत आ रहा है, हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लग रही है, और मेरा जो ये मानना है कि मैं तो आपका सिद्धांत है बहुत स्पेसिफिक हो गया है सर, मैंने चिकित्सा व्यवस्था पहले भी हम लोग की क्योंकि कामला पांडु इस समय हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत करते थे इसको GIT में, लेकिन यहाँ आपके साथ जब से जुड़े हैं और आपने इतने अच्छे से हम लोग को बहुत सूत्र दिए हैं, चिकित्सा सूत्र दिए हैं, तो मेरा मानना है कि जैसे कटुकी है, जैसे आरग्भद है, जैसे पेशेंट के अकॉर्डिंग हम वहां पे उससे स्थिति घृत से जो है वो उसको हल्का सा जो है विरेचन जरूर कराएं, और घृत देने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्नेहन स्वेदन भी होता है, वो हम सभी जानते हैं कि वो सूक्ष्मगामी होता है, तो यहाँ पे त्रिफला घृत का भी कहीं रोल दिया मैंने, कहीं कटुकी को भी मैंने घृत में मिला के, कहीं फिर पंचतीर्थ घृत का भी रोल मैंने दिया और मुझे बहुत अच्छे से मिला। और यहाँ पे समटाइम्स जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट होती है तो बहुत तीक्ष्ण हम लोग कटुकी वगैरह देने से थोड़ा सा हटते हैं, तो द्राक्ष घृत का काम किया या फिर निशोथ का काम किया या फिर आरग्भद का काम किया, और उसके बाद दूसरा नंबर पे जो दवा आती है वो फिर वही आती है, जैसे आरोग्य वर्धनी मेरी नंबर फर्स्ट पे आती है, फिर उसके अलावा शुद्ध शेखर भी आता है, इसके अलावा जो है तीसरी जो आती है वो अगर हम उसको ज्यादा उससे देखा जाता है कि पेशेंट कभी कभी कुछ पेशेंट आते हैं जिनको तकलीफ बहुत होती है या उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, तो यहाँ पर यही देखना है कि हमें किस तरह से इसका जो है विरेचन करना है, इतना मेडिसिन देने के बाद भी अगर उसको विरेचन कराना पड़ जाता है तो उसकी भावना जैसे आप बताते हो भावना हम लोग बदलते जाते हैं, समटाइम्स हम जैसे आरग्भद का क्वाथ भी बना के दे सकते हैं, कम से कभी 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 हम एरंड पत्र का क्वाथ भी बना के दे सकते हैं या एरंड पत्र का सरस भी दे सकते हैं, और अगर दहा भी साथ में मिलती है तो फिर मुक्ता या फिर कामदुधा इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। और सबसे अच्छा मुझे लगता है जो मैं अक्सर बताती हूँ, मुझे बंग भस्म बहुत अच्छा लगता है, बंग भस्म को मैं कहीं ना कहीं जरूर ऐड करती हूँ, क्योंकि वो धातु के परिवर्तन में, धातु के बनाने में, धातु के पोषण में और हमारे जो सप्त धातु के सार को तैयार करने में बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे जनरली जो बहुपित्त कामला है इसको अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो मुझे इफेक्ट मिलता है, और अगर जैसे लग जाता है कि नहीं यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जैसे मैडम ने बताया कि पता भी नहीं चलता है और वो पेशेंट को निकल आया, तो उसके कारण वही होता है, समटाइम्स स्टोन होता है, समटाइम्स क्रमी होता है, समटाइम्स कोई कभी कभी जैसे नहीं आता है GB में पॉलिप बन गया, तो इस तरह के पेशेंट में भी जो है वो थोड़ा सा हम लोग विरेचन ही कराते हैं, वहां पे थोड़ा सा स्नेहन को हम अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे स्नेहन देना है कहाँ पे हमें विरेचन देना है। तो विरेचन के लिए भी हमारे पास कुटकी तो
तो है ही है, या फिर हमारे पास अगर हम अति तीक्ष्ण ना जाते तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे त्रिव्रत ले सकते हैं, आरंभद भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना है तो थोड़ा सा लेखन द्रव्य भी चाहिए, थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण कटु रस भी चाहिए, जैसे अभी बात चल रही थी, कटु भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम सूत शेखर का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कफ को भी नाश करना है और अवरोध को भी दूर करना है। हमारा सबसे अच्छा यहाँ पे रहता है कुमारी आसव, क्योंकि हम अक्सर जो लिखते भी हैं जो गृहिणी पितृधरा पर भी काम करता है, लेकिन कुमारी का भी बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे एलोज का। बाकी कॉज ढूंढने के हिसाब से अगर कृमि है तो कृमि जन्य चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है दो का डिफरेंस हम लोग करके चलते हैं। और मेरा मानना यही होता है कि रस धातु और रक्त धातु पे हमें स्पेशली काम करना है, तो उसके लिए फिर हमें जो धातु में शिथिलता आई है, जो धातुओं में हल्कापन आया है, जो कमजोरी पेशेंट में आई है, उसको हमें कंसंट्रेट करना है। तो उसी तरह का प्रकृति के आधार पर हमें थोड़ा सा उसका आहार और विहार, सबसे पहले तो हम जनरली कहते हैं कि रेस्ट करो, तो रेस्ट का मतलब भी पेशेंट के अकॉर्डिंगली ही होता है, और उसको इतना ही बताया जाता है कि जितना उसने स्ट्रेस लिया है, स्पेशली मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा अगर उसका रिमूव हो जाता है, और फिजिकल में भी है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रेस उसको नहीं लेना है। तो रस धातु और रक्त धातु अगर हमारी अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है तो ये धीरे धीरे, जैसे अभी मैडम सर ने बताया कि हमारा 5 दिन में ही कंप्लीट हो गया, कभी कभी 7 दिन में ही कंप्लीट होता है। तो यहाँ हम मॉडर्न या एलोपैथ से अच्छी चिकित्सा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप है, बस हमें डायग्नोसिस बनानी है कि कहाँ पे किस धातु कौन सी धातु का यहाँ पे हमारे साथ, या रुद्रपथ या बहुपित कामला का थोड़ा सा चिकित्सा सिद्धांत हमारे शास्त्रों में अलग अलग आया। जी सर। मैडम नमस्कार। मैडम यहाँ हम रसोपाचक रक्तपाचक भी ऐड कर सकते हैं ट्रीटमेंट में? जी सर, हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रसोपाचक रक्तपाचक है वो पूरी कास्ट औषधि है, और कास्ट औषधियों का प्रयोग तो हम लोग अच्छे से कर ही सकते हैं। और रसपाचक में क्या है, पटोल इंद्रव कुटकी? कुटकी तो है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। जी, और किसी को? भट्ट साहब आपको कुछ बताना है क्या? प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर शशि तिवारी जी, आप लोग कुछ बताइए। सर नमस्ते। सर हाँ नमस्ते, बताइए। सर एक केस है सर, मतलब मेरे रिलेटिव ही लगना है, 45 एज के है और फीमेल है, उनको है ना सर कुछ भी दो, लेकिन एच बी है ना कभी भी 7 और 8 ही रहता है। मतलब उनको है ना मैं 3 महीने से है ना तापियादी लोह और लोहा सब और आरोग्य वर्धिनी वट्टी ये सब दे रही हूँ सर वो, लेकिन उनको है ना एच बी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो आपने ग्रुतपान कराया क्या? जी सर, ग्रुतपान भी दी हूँ मैं सर, उनको महातिक्त भी दी हूँ उससे पहले, और जनरली घर का भी ग्रुतपान दे रही हूँ सर उनको, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा सर। और उनका है ना कफज ही दिख रहा, अभी मैडम बोल रहे थे कि कफज पांडु में काशी सा भस्म दिए थे, तो मैंने ये एंगल से कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ इनको कफज ही है, बहुत लेजी रहते हैं कभी भी, और उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा रहते, सियाटिका पेन है, तो सियाटिका के लिए ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन उनको है ना 4-5 साल से पांडु ही है। मतलब जब भी आप एच बी चेक करो 7, 8 और 9 ये तीनों के बीच में ही रहता है। इसमें रस पाचक, रक्त पाचक, काशीस भस्म ये देखे देखिए फिर बताइएगा। हाँ मैम, हाँ सर, तो ये देंगे सर। और कुछ दे सकते हैं? मतलब विरेचन कराइए, विरेचन स्त्रोतोरोजन से संप्राप्ति नहीं भंग होगी ना, तब तक जी सर विरेचन कराइए। तो मैंने विडंग भी दिया था सर, मतलब कुछ हो, ये होगा ठीक है, क्योंकि काम पांडु रोग का चिकित्सा में देखिए स्नेहपान करा के विरेचन बताया, शोधन बताया, तो आप विरेचन कराइए और वमन भी कराइए, मतलब दोनों शोधन करा दीजिए, फिर देखिएगा एचपी लेवल बढ़ जाएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर सरोज देसाई मैम, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए कामला रोगी का आपका। डॉक्टर सरोज देसाई मैम सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर वर्षा कौशिक जी सर, मैं अभी बिजी हूँ। बिजी हैं, हाँ। नवजोत कौर मैम आप कुछ बताइए, अश्विनी जी आप बताइए, जो लोग भी बताए, मुकेश साहू जी आप बताइए, सब लोग बिजी हैं अभी शायद।
सर ये जो मैडम अभी पूछ रहे थे इसमें अगर हम लोग थोड़ा शिला जतु का अगर सेवन कराएं और थोड़ा घृत के साथ इनको किसी भी कल्प को थोड़ा सा इन्हें कहना था, क्योंकि जो अवस्था बता रही है उसमें वायु का भी अच्छे से होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा घृत पान के साथ में ही ये करते हैं शिला जतु का सेवन कराएं, तो थोड़ा समय लगता है कहीं ना कहीं वो अच्छे से लेखन भी करेगा और रसायन का भी काम करेगा, जैसे कफज पांडु के लक्षण बता रही है, तो उसमें थोड़ा सा ये अपने चवन प्राश वगैरह में भी मिला सकती है उसको और देके दे सकती है। जी, और अंजना मैम आपके एक स्टूडेंट है मोहम्मद आशाब जी, वो जी सर मैं सुन रही थी सर, अच्छा लगा सर, अभी और लोग भी आएंगे, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं तो आएंगे सर, इन लोगों को थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ेगी। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखिए रोजा भी रखे हैं तब भी पढ़ाई करना है। जी सर, जी सर। डॉक्टर माधुरी मैम आप कुछ नहीं बताएंगी पांडु रोगी और कामला रोगी का एक्सपीरियंस? शायद मैम बिजी हैं। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। डॉक्टर हेमंत सोनी जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। प्रणाम सभी को। सर मेरे पास डायरेक्ट पांडु का तो नहीं था वो पेशेंट, मतलब पांडु का है कामला का नहीं है, उसको कुछ दिन पहले कामला हुआ था लास्ट ईयर, उसके बाद अभी उसमें कुछ कुछ सिम्टम कामला जैसे दिख रहे हैं, पर सर अभी मैं ऐसे डायग्नोज नहीं कर पाई कि वो रुद्रपद कामला है कि डायरेक्ट वाला, और उसको मैंने यही सब दिया था पुनर्नवा मंडूर आरोग्य वर्धनी जो सिम्टम आ रहे थे उसके हिसाब से, पर वो उसको 10 दिन के बाद फिर से बुलाया था, वो दोबारा आया नहीं है अभी तक, क्या हुआ उसका? और क्या आपने ऐसे कंजुगेटेड वो जो रहता है कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया वो देखा है आपने ऐसे पेशेंट? अभी तो नहीं देखा सर, पहले की देखे हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट उस टाइम किसी और के पास चल रहा था। जी ठीक है, और किसी को कुछ कंजुगेटेड अगर होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? क्या क्या बोल रही हैं? कंजुगेटेड अगर आता है उसके में हम लोग तो आयुर्वेद के हिसाब से यही देखते हैं ना कि रुद्रपद कामला है कि बहुपित कामला है, हम तो ऐसे ही देखते हैं, हम आयुर्वेद का ही दृष्टिकोण से देखते हैं। जी। और किसी को कोई एक्सपीरियंस है तो कृपया शेयर करें। मनीषा सिंह मैम। हाँ मनीषा सिंह मैम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है रहता है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ किससे? सर एक बच्चा है 13 साल का और उसको चेहरे पे बहुत सारे व्हाइट व्हाइट स्पॉट है। अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है उसको, मतलब ऐसे इचिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उसको कृमि समझ के चिकित्सा दी थी, लेकिन उसकी मम्मी का कहना है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 15 दिन हो गए लगभग विडंगा रिस्ट वगैरह ले रहा है वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी हो सकती है, और कृमि तो हो गई, 15 दिन में नहीं जाएगा, अब इसमें कृमि कुठार रस और थोड़ा शोधन कर दीजिए। जी सर। जी थैंक यू। प्रवाल पंचामृत वगैरह देंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी सर ठीक है। ये आयरन सप्लीमेंट मतलब सप्तामृत लो या ऐसा भी कुछ देना पड़ेगा? पुनर्नवा मंडूर आप्यादि लो नवायस लो। जी पुनर्नवा मंडूर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर हेमंत सोनी जी आप कुछ बताएंगे? सर ये पांडु और कामला का तो क्या हमने अलग अलग पेशेंट आए ऐसे पांडु से डायरेक्ट कामला में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अब इस पर थोड़ा सा और ज्यादा विचार करेंगे। लेकिन सर मेरे को एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछना था, एक लेडी पेशेंट के सिलसिले में क्वेश्चन पूछना था, शायद वो आजकल में आ जाए हमारे पास दोबारा। पूछिए सर। वो लेडी को क्या है कि जेनिटल हर्पीज है जी, तो उसकी जो मैंने हिस्ट्री ली थी जो उसको 3 साल हुए शादी को, और शादी के 6 महीने के बाद उसको जेनिटल हर्पीज हुआ, और उसको वो हर्पीज उसको अपने हस्बैंड से मिला है, और वही ब्लिस्टर बनना और ये सब चीजें है, तो अभी तक 3 साल से वो एलोपैथी के पास रही थी, साइक्लोवीर और कोई भी एंटीवायरल ड्रग लेने के बाद उसको आराम मिल जाता है, लेकिन बार बार रिएक्रेंस होता है। तो उसने एक लाइन और बोली थी मेरे से सर कि सर मैंने हम भाई की मैं 1.5 साल में अलग रही हूँ ताकि ये बिल्कुल खत्म ही हो जाए, लेकिन फिर भी वो बार बार हो जाता है वो। ठीक तो है, लेकिन आपने क्या चिकित्सा दिया? विरेचन कराया, रक्त मोक्षण कराया?
नहीं सर, अभी मैंने सर मैंने जो दवा दिया वो मैंने अभी मैंने केवल उसको 7 दिन के लिए दवा दे के दोबारा बुलाया है, तो मैंने उसको अभी महातिक्त घृत उसको स्टार्टिंग में महातिक्त घृत नहीं देना चाहिए स्टार्टिंग में। अच्छा सर, सर्प जो व्याधि होता है वो स्निग्ध और उष्ण के वजह से होता है, स्टार्टिंग में महातिक्त घृत नहीं देना चाहिए, पहले उनका विरेचन कराना चाहिए और रक्त मोक्षण करना चाहिए। अब आपने दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिएगा चिकित्सा चरक संहिता में उसमें पहले विरेचन बोला है और रक्त मोक्षण बोला है, और दीपन पाचन करके जब निरामावस्था आ जाए आमावस्था चला जाए तब हमें घृत पान बोला है। महातिक्त घृत का देखिए कब बताया उन्होंने, मैंने कैप्सूल फॉर्म में आता है ना वो वाला दिया था मैं पूरा वो। अभी उसको बंद कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम के फॉलोअप में बंद कर दीजिएगा, पहले आप अशुद्ध रक्त निकालिए और विसर्प की चिकित्सा करिए, उसमें अगर लेप देना है तो लेप दीजिए और पूरा विसर्प व्याधि प्रतिनिक जैसे सुचेकर रस दे दिए, काम दुधा दे दिए, ऐसे व्याधि प्रतिनिक दवाई दीजिए, पित्त शामक चिकित्सा दीजिए, और उसके बाद में जब निरामावस्था आ जाए मतलब उसको भूख वगैरह लगने लगे सब कुछ हो जाए तब महातिक्त घृत दीजिए। ऐसा ऐसा जो चरक में है वही मैं बता, भूख के लिए तो वो यही बोल रही थी कि सर मेरे को भूख अच्छी लगती है और मेरे को करीबन दिन में 2-3 बार खाना चाहिए चाहिए। वो ठीक है, लेकिन अगर वो सब चीज ठीक होता तो विसर्प होता है क्यों? त्वचा रक्त मांस लसिका स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है ना वहाँ पे। मैं सर तो यही करवाता हूँ सर। हाँ, तो वो महातिक्त घृत हटा के पहले रक्त मोक्षण कराइए, वहाँ पे जलौका लगा दीजिए या फिर थोड़ा सा दूषित रक्त कहीं से भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, सब लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं 7 बजे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।